Hello and welcome to Zee Business. I am Asir Abbasi. Life is energy and energy is life. India, like any other country on the globe, is hungry for energy. But in this time, energy utilization and energy saving is must for global warming. Save the environment and to save our earth. Let's have a look at EnerAsia 2015. संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की बढ़ती समस्या को देखते हुए अहमदाबाद में EnerAsia 2015 एनुअल ग्लोबल एनर्जी समिट का आयोजन किया गया। तीन दिनों तक चलने वाले इस समिट में कई जानी मानी कंपनियों ने अपनी प्रदर्शनी भी लगाई। देश विदेश के एनर्जी एक्सपर्ट्स और ग्लोबल लीडर्स ने तेजी से बढ़ रही पर्यावरण की समस्या और इसके समाधान पर अपने विचार रखे और साथ ही प्रतिक्रिया भी दी। इस समिट के माध्यम से ग्लोबल एनर्जी स्टेक होल्डर्स, एनर्जी प्रोड्यूसर्स और डीलर्स ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर में हो रहे तेजी से विकास का प्रयोग कर बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए एनर्जी रिसोर्सेज के सही प्रयोग का रास्ता पूरे विश्व के सामने पेश किया। I think a great event which brings together India, Africa at the same point of time. EnerAsia has become a signature event now of in Gujarat on focused on energy. EnerAsia is a forum created by Government of Gujarat for development of ties with in different sectors, mostly primarily in energy sector. Last time this EnerAsia was dominated by public sector undertakings. This year I see a lot of participation by the private sector also. So this is a very good change. गुजरात के एनर्जी और पेट्रोकेमिकल मिनिस्टर सौरभ पटेल ने इस समिट की सराहना करते हुए कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा और ऊर्जा संसाधनों के उचित प्रयोग आने वाले दिनों में काफी गंभीर चर्चा का विषय है। इसी सिलसिले में ये समिट एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। पॉजिटिवली के भी ऐसे ऐसे इवेंट होते हैं तो इट गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू पीपल हु कम डाउन ओवर हियर और वो हिसाब से इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट होता है और जो खरीदार होते हैं उनको भी बेनिफिट होता है। सो दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें हर साल कुछ न कुछ इनोवेशन होते ही रहते हैं। सो एवरी ईयर व्हेन वी डू हैव सच समिट सम न्यू टेक्नोलॉजीज आर बीइंग एग्जिबिटेड सो इट वुड बी बेनिफिटेड टू द ऑल स्टेक होल्डर्स इन द एनर्जी एंड पावर सेक्टर। इस समिट के साथ ही यहां भारत और अफ्रीकी देशों के बीच इंडो अफ्रीकन एनर्जी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया जहां अफ्रीकी देशों के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापार की संभावनाओं के बारे में भी जिक्र किया गया। साथ ही ऊर्जा संचार और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में रोज हो रहे नए नए विकास की सूचनाओं का भी आदान प्रदान हुआ। There is a lot of scope for cooperation in the field of power self-sufficiency as far as Africa is concerned, because as you know, the African continent is lagging behind the international community. We cannot pretend to be emerging economies if we don't secure our power self-sufficiency, and we feel that this platform is very important for us. 200 से ज्यादा कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए, करीब 50 देशों के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी किए गए विश्व ऊर्जा आंकड़ों के मुताबिक भारत विश्व में कुल ऊर्जा उत्पादन में चौथे स्थान पर है, साथ ही प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में 110वें स्थान पर। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत ने उच्च तकनीक और विकास के तरीकों को अपनाकर 5वें स्थान पर जगह बनाने में कामयाबी हासिल की। विश्व में ऊर्जा संसाधनों की बढ़ती जरूरतों और खपत को देखते हुए इस समिट के माध्यम से अफ्रीकी देशों में बढ़ती ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा के नवीनतम संसाधनों के आधुनिक तरीकों का भी आदान प्रदान किया गया। सच समिट इट इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द एवरी पर्सन इवन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हु वांट टू इन्वेस्ट इन सोलर एंड विंड एनर्जी पर्टिकुलरली अफ्रीकन कंट्रीज presence of the African countries is much more here.
they are facing a lot of problems as far as the energy is concerned. This summit would give chance to them to have participation in business with the Gujarat and India. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा के मद्देनजर इनर्जिया 2015 ग्लोबल एनर्जी समिट में कई सेमिनार्स का भी आयोजन किया गया है। इन सेमिनार्स में विश्व भर के अलग अलग दिग्गजों ने अपने विचार साझा किए। जो सेमिनार हैं, वो सेमिनार हमने तीन भागों में बांटा था, एक टेक्नोलॉजिकल पार्ट, एक गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड इश्यूज एंड थर्ड इज अ फाइनेंसिंग मॉडल। तो वो जो तीन सब्जेक्ट होने चाहिए वो हमने कवर किए और उसके हिसाब से नॉट ओनली ऑयल एंड गैस बट ऑल्सो इन रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर से लेके बायोगैस, बायोमास, सभी को लेके हमने सारे सब्जेक्ट को कवर करने का ट्राई किया। एनर्जी फाइनेंसिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस, अपॉर्चुनिटीज इन द एनर्जी सेक्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, रिन्यूएबल एनर्जी द वे फॉरवर्ड, सोलर एनर्जी सेक्टर द रोड अहेड। We are thankful to Pravak Communication for being the part of both Eye for Africa and giving us an opportunity to be a part of Inner Asia as well. Our association with Inner Asia is for an important cause, the requirement of energy and power in Africa region. Every activity we do requires energy, and the biggest challenge facing many nations today is how to mobilize enough of it, making it available to the people at an affordable price and with minimum possible harm to nature and environment. The power sector is becoming the dominant sector in the Saudi market. Our vision is to be a global business conglomerate. That's exactly what we are, and we want to offer a large variety of services. All of you have noticed recently lot of news and articles are coming on solar energy, and our government is putting lot of emphasis on solar energy and development of energy for and they have made a target of 100 gigawatt in 2020. Now it's time to a very short commercial break. We will be back with more insights on Global Energy Summit. Welcome back after the break. Let's have a look at the company who are here around the world to showcase the new technology. देश के विकास में ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ऊर्जा संरक्षण आज समय की जरूरत है। पीएम मोदी के मुताबिक भारत ने 2020 तक खुद सौर ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुसंधान व तकनीकी विकास में पूरा योगदान देने का संकल्प लिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतना अपना क्लाइमेट चेंज के लिए उनका कंसर्न भी दिखाया है और वी हैव टू गो ए लॉन्ग वे इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी यू नो एंड क्रिएशन ऑफ सोर्सेज। तो बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज भी हुआ है, अरेंजमेंट भी बहुत ही काफ़ी अच्छी है, स्पीकर्स फैकल्टीज भी विश्व स्तर के आए हैं। हाल ही में इंडो अफ्रीकी देशों के दिल्ली सम्मेलन में 42 देशों ने सूर्य पुत्र देशों का संगठन बनाए जाने के प्रस्ताव का भी स्वागत किया था। अफ्रीका में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, इट्स नेग्लेक्टेड कॉन्टिनेंट आई शुड से। क्या है कि ये केन्या है, साउथ अफ्रीका है, उगांडा है और नाइजीरिया है, तो अफ्रीका में बहुत सनलाइट है लेकिन वो लोग यूज नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास एक्सपर्टाइज है, हमारे पास आदमी है, स्किल्ड मैन पावर है। तो अफ्रीका पास रिसोर्स है लेकिन मैन पावर नहीं है।
अफ्रीका पास रिसोर्स है लेकिन एक्सपर्टाइज नहीं है। आज विकास कर रहा हर शहर ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा की खपत कर रहा है और जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को बढ़ा रहा है। ऐसी स्थिति में एनर्जी रिसोर्सेज के उपयोग में स्मार्ट रणनीति बेहद जरूरी है। ये बहुत टाइमली है क्योंकि सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। हमारा जो मानना है ये है कि सोलर एनर्जी का एक ऐसा अच्छी चीज़ है कि हम गाँव में छोटी छोटी जगहों पे भी रोशनी फैला सकते हैं। एनरेशिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसका सेकेंड ईयर है, ये गुजरात में दूसरी बार हो रहा है, पर काफ़ी अच्छा इंटरनेशनल प्रेजेंस है यहाँ पे। और इस टाइप के अगर सेमिनार्स होते रहेंगे तो एनर्जी रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रही है इंडिया के अंदर, इसमें इसको दूर करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ऐसी ही एनर्जी रिसोर्सेज के स्मार्ट प्रयोग देखने को मिले प्रवेग कम्युनिकेशन के द्वारा आयोजित किए गए ग्लोबल एनर्जी समिट में। यहां गुजरात के रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को आधार बनाते हुए कई मेगा एग्जीबिशंस लगाए गए। As we see, there is a lot of thrust being given to the development of renewable energy worldwide, and that is very necessary as well. But without bringing it in an appropriate way into education, it will be difficult to see the results that are expected. As the best answer to the global warming is renewable energy. In renewable energy, Gujarat is in forefront. Everybody is taking note of innovative projects done by the Gujarat in the solar. So whatever the innovative projects we have done, we could have been success to have investment from even other countries, particularly in the solar. गुजरात में चल रहे सौर ऊर्जा के संदर्भ में किए गए प्रयासों को पूरे विश्व के सामने प्रदर्शित कर इन नई तकनीकों को अपनाने का मॉडल भी इन एग्जीबिशंस में पेश किया गया। साथ ही अफ्रीकी देशों में चल रहे ऊर्जा संकट को दूर करने और नई तकनीकों के कुशल प्रयोग पर जोर दिया गया। The National Institute of Solar Energy, NICE, an autonomous institute of Ministry of New and Renewable Energy, Government of India, is establishing the Solar Energy Training Network, which is SETNET, to meet the training needs associated with solar energy. This initiative is in collaboration with the Indo-US bilateral partnership to accelerate clean energy deployment technical assistance. ये जो I for Africa है, I think this is something new. And और इंडिया का थ्रस्ट अफ्रीका के लिए है और ONGC अपनी हमारी जो आम है ONGC विदेश उसके ज़रिए ऑलरेडी अफ्रीका में काफ़ी अच्छा हमारा फुटप्रिंट है। हम लोग अभी सूडान, साउथ सूडान, मोजाम्बिक में काफ़ी एसेट्स हैं हमारे। मोजाम्बिक में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद वहाँ से LNG इंडिया आने की भी उम्मीद है हमें। इस समिट का मुख्य उद्देश्य है सरकार, बिजनेसमैन और एनर्जी यूजर्स को एक साथ लाना, ऊर्जा के मुद्दों पर स्टेक होल्डर्स के बीच जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ इस समिट का मुख्य आकर्षण रही ये मेगा एग्जीबिशन। बहुत सारे नए इनोवेशन गुजरात की गवर्नमेंट कर रही है। वी आर ट्राइंग टू प्रमोट सोलर इन अ बिग वे, स्पेशली रूफ टॉप कैप्टिव सोलर का भी हमने ये बार प्राधान्य दिया है। इरिगेशन के अंदर भी सोलर कैसे इम्प्लीमेंट किया वो भी हम कर रहे हैं। सो देयर आर न्यू वेज ऑफ ब्रिंगिंग चेंज। हमारे लेवल पे ये जरूरी था कि हम लोग सभी मैन्युफैक्चरर है, EPC कॉन्ट्रैक्टर है, कि ये लोगों यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे आए, जिससे क्या एक जो अभी एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का बहुत सारा यूटिलाइजेशन होता है, एनवायरमेंट स्पॉइल भी होता है, तो हम लोगों को ये जरूरी है कि ज्यादातर से जो लोग इसको पहचाने, इसको यूटिलाइज करें।
इन एग्जीबिशंस में एनर्जी सेक्टर में काम करने वाले देश विदेश की कंपनियों ने ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से बदल रही टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट का प्रदर्शन किया। इन एग्जीबिशंस में विश्व भर की 200 से ज्यादा कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए, साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एनर्जी रिसोर्सेज के प्रयोग के शानदार उदाहरण भी पेश किए गए। विश्व भर से करीब 50 देशों के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने इस एग्जीबिशन में हिस्सा लेकर पर्यावरण को सुरक्षित रखने की राह में अहम योगदान दिया। साथ ही लगभग 40 अफ्रीकी देशों के साथ खास B2B मीटिंग का आयोजन भी किया गया। Great show. I think it is the right thing for India to look beyond the only domestic market. I know it's huge. It's a huge opportunity for Indians, but to look into markets as Africa and Saudi Arabia, where let's say there's a natural link, mentality-wise, culturally, and business-wise. I think it's a very good idea, and it shows how the way ahead for India as a solar nation. Delegates from over 50 countries have participated this time in this global energy summit, and we have plans to organize this event in other cities of India and abroad. Energia 2015 ko duniya ka sabse bada energy expo kehna galat nahi hoga. इस समिट में देश विदेश के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर ग्लोबल एनर्जी की वैश्विक डिमांड को समझा और उसे पूरा करने के बेहतर विकल्पों का मार्ग प्रदर्शित करने का एक साझा प्रयास भी किया। इतने बड़े पैमाने पर समिट ऑर्गेनाइज करना आसान काम नहीं था, मगर ये काम खूबी के साथ निभाया यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स ने। इतना अच्छा जो एनर्जिया जो हम कर रहे हैं, कंपनी गुजरात की कंपनी है, सारे लोग इसमें जुड़े हमारे साथ, सारी इंडस्ट्रीज ऐसे प्रोग्राम में आए और उसमें से जितना हो सके इतना इंटरेक्शन करके जो भी अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए प्रयास करे, वो हमारा एक प्रयास है। यू नो दे हैव डन अ गुड जॉब ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज इट एंड दे हैव गॉट सो मेनी स्पीकर्स, सो मच ऑफ ऑडियंस। आई थिंक विद एज इयर्स गो बाय दे विल गेट बेटर and there will be increased participation from other states and other countries also. I can only wish them all the best. I feel ki yahan pe overall infrastructure is well in place and the organizers are also very helpful. It's a great opportunity for us to understand better the market either in India and in the case a specific case of this exhibition for Africa. We are now pretty active in the energy sector in Saudi Arabia and in the GCC country, but recently, since the last few months, we started to move towards India, and we are focusing on projects in India. Good opportunity for everyone. We have seen people from different areas, from different utilities, from different manufacturers, ABC contractor. I think it was a good opportunity to exchange ideas and to exchange also the opportunity that we can have, and that will benefit all. Enerasia is Pravek's endeavor to provide strong networking platform for global energy fraternity. The participant came to a conclusion that there is no easy answer to energy crisis. But Enerasia 2015, bringing together global leaders and energy aspect, has taken first big step in right direction. That's all for now from Enerasia 2015. It's me, Atir Abbasi, signing off from Ahmedabad.